हेलो फ्रेंड दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल जैन। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ डेटा है और उसकी फॉर्मेटिंग सही नहीं है तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सही नहीं है, सेल्फ फॉर्मेटिंग इसकी बिल्कुल सही नहीं, किसी के कॉलम छोटे हैं, किसी की रोज छोटी है और मुझे इसको सही करना पड़ेगा। तो आप लोग करते क्या हो, आप लोग कुछ इस तरीके से करते हो, पहले आप सी कॉलम को ड्रैग करोगे तो ये सही हो जाएगा, फिर डी को ड्रैग करोगे, फिर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, फिर इसको सही करोगे, फिर इसको सही करोगे और फिर रोज़ पे आओगे, रोज़ को भी सही करोगे इस तरीके से आप लोग। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी टाइम मेरा यहाँ पे जा रहा है और मेरी सेल्फ फॉर्मेटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितना मैं सोच रहा हूँ। तो इसको कैसे करेंगे विद इन सेकेंड, सबसे पहले मैं उसी तरीके से डेटा कर देता हूँ जिस तरीके से पहले था। तो ये कुछ इसी तरीके से डेटा हो गया जैसे पहले था। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, एक सिंपल ट्रिक अपनानी है। सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करना है तो क्या होगा, पूरी शीट आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, देख सकते हो आप लोग, पूरी शीट यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आप कॉलम हेडर पे आओगे, याद रखना कॉलम हेडर पे आना तो कुछ इस तरीके का सिंबल आपको नजर आएगा, डाउन का एरो, डाउन का यहाँ पे सिंबल नजर आएगा। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो कुछ इस तरीके का सिंबल आएगा, इससे क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो और ड्रैग कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर ड्रैग नहीं करना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट डबल क्लिक करना है, जो लेफ्ट क्लिक होता है उसको उसको डबल बार प्रेस करना है इस तरीके से। तो आप देखोगे कॉलम विड्थ आपकी बिल्कुल सही होगी, प्रॉपर होगी, इसने एडजस्ट करके अपने आप सही कर दी। सेम ऐसे ही हमें रो हेडर का संग करना है। आप जैसे ही रो हेडर पे आओगे और यहाँ पे जब डबल क्लिक करोगे तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेटिंग हो चुकी है जैसा कि हमको चाहिए। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे हमें कोड दिए गए हैं और यहाँ नेम दिए गए, मुझे यहाँ पे केवल फर्स्ट नेम चाहिए, मुझे यहाँ पे ये लास्ट नेम नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, है ना, कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप फाइंड रिप्लेस का आ रहा है ऑप्शन, रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। आप कंट्रोल एच भी कर सकते हो तो उससे सीधे ये खुल जाता। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, स्पेस प्रेस करोगे, स्पेस की प्रेस करोगे, दिख नहीं रही है लेकिन प्रेस कर दी है, और एस्ट्रिक लगा दोगे, स्पेस की और एस्ट्रिक लगा दोगे, उसको रिप्लेस ऑल कर दोगे यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके लास्ट नेम जा चुके, केवल फर्स्ट नेम आपके बचे हुए हैं। अब इसको एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट करना बिल्कुल सिंपल है, ये आपको दिख रहा है एरो, इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो ये भी बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको डेप्थ वीडियो देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक्सेल विद मुकुल नाम है उसका। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड बाय।